स्वर्ग रूपी बेस्ट प्राइस पाने वाले प्रकृति जीत सर्व बंधन मुक्त ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। तन मन की थकान दूर करने हम पहाड़ों, समुद्र, नदियों के किनारे, झीलों पर आदि प्राकृतिक स्थलों पर पर्यटन के लिए जाते हैं। थकान दूर होती है या और बढ़ जाती है जब लौट के आते हैं तो, है ना अनुभव सबको। हम भी जाते हैं माउंट आबू, बाबा के घर, पहाड़ी इलाका है वो भी। क्यों जाते हैं वहाँ? तीर्थ या पर्यटन के लिए नहीं, बाबा मिलन के लिए, भगवान से मिलने। रिफ्रेश हो जाते हैं ज्ञान सागर से मिलकर, हल्के हो जाते हैं, तन मन की सारी थकान गायब हो जाती है। तो ये भी अनुभव है सबको। तो आज दूर देश के रहने वाले बाबा पराए देश में आकर हमें एवर हेल्दी बनने की युक्ति बताते हैं, हमें ईश्वर के घर, अपने घर का पता बताते हैं, भूल भुलैया से बाहर निकालते हैं, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बाबा जो कहे हमें वही कर्म करना है। और क्या कहते हैं बाबा, इसके लिए सुनते हैं 21 जन्मों का भाग्य बनाने वाली 21 जून 2023 की सुप्रीम टीचर की समझाने। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। बाबा कहते हैं ये कोई तुम तीर्थ करने या यहाँ पर पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तुम क्यों आते हो यहाँ? बाबा से सम्मुख मिलन मनाने, साकार मिलन मनाने और बादल भरने। बाबा ज्ञान सागर है ना, तो हम खुद को भरते हैं, ज्ञान लेते हैं और फिर जाकर ज्ञान वर्षा करते हैं। बाबा कहते हैं बादल भरने आते हो, बाबा से मिलने आते हो ज्ञान सागर बाप के पास। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे? हेल्दी बनने के लिए देखो कितने नियम फॉलो करते हैं ना, खान पान के, एक्सरसाइज के, नींद के। तो बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक विधि अपनाओ जिससे हमेशा एवर हेल्दी रहेंगे।
क्या है वो विधि? सुनते हैं उत्तर में। बाबा कहते एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। मुख से कहने की बात नहीं है, मन में हो बाबा, है ना। तो एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम ही सिखाऊं, तुम ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। बाबा का भंडारा, बाबा की भंडारी, किसी भी चीज में ममत्व न रहे। कल भी था ना, ट्रस्टी बनकर रहो। तो अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। खान पान की गड़बड़ी के कारण ही तो शारीरिक बीमारियां आती हैं ना। तो बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा से सकाश लेंगे, भोजन में डालेंगे, ब्रह्मा भोजन ग्रहण करेंगे, तो बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बन जाओगे। और साथ ही साथ क्या करना है? सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर देना है। सदैव बाबा बाबा, बाबा के साथ ही खाना, बाबा के संगी घूमना, हर काम बाबा के साथ करना। हमेशा याद रहे कि बाबा की पालना में, परवरिश में हम पल रहे हैं। तो इस विधि से हम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत बजा। शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। देखो दीदी सब कितनी पार्टियां लेकर जाती थी ना, तो अभी भी जाते हैं सब। तो बाबा कहते मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, टूरिस्ट बनकर जाते हैं, घूमते हैं, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं मात पिता पास मिलने। यह जानते हो मात पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में, दूसरी दुनिया में, पराए देश में आते हैं ना। बाबा तो मूल वतन के रहवासी हैं और देखो साकार वतन में आते हैं, इधर साकारी दुनिया में। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। बाबा कहते हैं ना सबसे दूर से कौन आता है? मैं सबसे दूर से आता हूँ लेकिन एक सेकंड में आ जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं क्यों आते हैं बच्चे, किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं मात पिता से मिलने। हम घूमने जाते हैं, वकेशन के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं या बाबा मिलन के लिए जाते हैं, तो बाबा कहते हैं मात पिता से मिलने आती हैं। मात पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? मात पिता के सामने बैठे हैं। सभी आत्माएं कहाँ बैठी हैं? मात पिता के सामने, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं। मिलेंगे तो सही लेकिन कब मिलेंगे? बाबा कहते हैं परंतु उनके मत पर चलने से। कंडीशन सप्लाई, स्वर्ग के सुख तो मिलेंगे, शर्त क्या है? मत पर चलना है, श्रीमत का पालन करना है। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है, सबसे श्रेष्ठ मात पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराए देश में आया है, तुम भी पराए देश में बैठे हो। तो हम भी तो दूर देश के रहने वाले ना, हमारे लिए भी ये पराया देश है, था ना, अभी कल परसों परदेसी हैं। तो यह रावण का देश है। किसका देश है? यह हमारा देश नहीं है, रावण का देश है। यह अकासुर बकासुर पूतनाएं सूपनखाएं हिरण कश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। सारे नेगेटिव कैरेक्टर, विलेन, वैम्प्स,
बाबा कहते हैं ये सब मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। देखो अकासुर बकासुर, कड़वे बोलने वाले, बकबक करने वाले, सूप न खाएं जिनको अपने रूप का घमंड है, तो ये सब जितने भी हैं नेगेटिव कैरेक्टर, बाबा कहते हैं कि इन सब का नाम मनुष्यों के नाम पर है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं, तो मनुष्य ही क्या, जब दैवी गुण वाले हैं तो देवता हैं, आसुरी अवगुण हैं तो असुर हैं, राक्षस हैं। तो बाबा कहते हैं है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था, दुनिया पावन थी, गुण अच्छे थे, बाबा कहते हैं ना तब वो देवताएं कहलाते थे। इसी दुनिया में देखो आसुरी अवगुण हो गए तो फिर मनुष्य से भी गिर कर कैसे राक्षस जैसे हो गए, असुर जैसे हो गए, जानवर से भी बदतर हो गए। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर रावण के घर में। शांति धाम अपना घर है और बाबा के द्वारा बनाया हुआ स्वर्ग, मतलब बाबा हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं, तो ये सतयुगी दुनिया ये बाप का घर है ना, वो अपना घर है। बाबा कहते हैं रावण का जो घर है, जिस दुनिया को हमने पुराना बना दिया, नरक बना दिया अपने कर्मों से, विकारों से, तो ये हो गई पराई दुनिया, रावण का घर। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो, सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं, यह टीचर भी सदगुरु भी है, टीचर भी है सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। तो देखो बाबा कहते हैं बाप टीचर सदगुरु, तो तुम माताएं भी टीचर हो सदगुरु भी हो, तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने लिए और सबको रास्ता भी दिखाते हैं। तो देखो मास्टर सदगुरु भी कह दिया बाबा ने आज, तो तुम पढ़ाती हो किस लिए, मनुष्य से देवता बनाने लिए, अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो, तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। बाबा कहते कि यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है, जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं यह चैतन्य है। तो बाबा देखो और देश में तो नहीं जाते थे, लेकिन कश्मीर, दिल्ली, बम्बई, इधर तो बाबा ट्रैवल करते थे, बनारस वगैरह में। तो बाबा कहते हैं चैतन्य सागर है, बाबा की मुरलियाँ तो देखो सब जगह जाती हैं, देश विदेश सब जगह, और जड़ सागर क्या करता है, ये जो पानी का सागर है कैसे सुनामी उठती है, लहरें उठती हैं, डुबो देता है। बाबा कहते हैं नहीं यह चैतन्य है, गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो परमात्मा भी आते हैं तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं, कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं, और शिव बाबा तो खैर कहीं भी पहुँच सकते हैं, बाबा तो चैतन्य है ना, शिव बाबा निराकार है, तो बाबा तो देश विदेश कहीं भी जहाँ बच्चे हैं बाबा के बुलाएं याद करें बाबा तो पहुँच जाते हैं। तो भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं, अब वह तो है देहधारी और जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं, सूक्ष्म देह है ना उनको, इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर, उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग हो गया।
श्री कृष्ण भगवान वाच तो रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। जो काम ब्रह्मा ने किया उसकी जगह श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, तो ब्रह्मा तो गुम हो गया ना फिर। परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। अब बाहर वालों को क्या पता यहाँ पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। यहाँ पे सच्ची गीता कौन सुनाते हैं, पढ़ाई कौन कराते हैं? ये सच्चा सच्चा सत्संग है, शिव का संग, सत्य बाप का संग। तो यहाँ पे कौन क्या पढ़ाता है ये तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलेवेड माता पिता सुनाते हैं, कितना मीठा कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। ऊपर से कितने ही मीठा मीठा बोले, देखो अंदर कितनी कड़वाहट भरी हुई है। बाबा कहते हैं सब पतित हैं, विकारी हैं, मीठे तो हो न सके। बाप उनको पावन बना रहे हैं तो ऊंचते ऊंच है भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वह सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, सभी यहाँ भटकते रहते हैं। यही भटकना, यही पुनर्जन्म लेना है जब तक बाबा आकर स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखाते। बाबा कहते हैं यही भटकते हैं जैसे भूल भुलैया है। भूल भुलैया जो है ना लखनऊ में, उसमें भी कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जाती हैं आप उधर जाओ तो भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। तो ऊंची स्थिति की तरफ जाएंगे, बाबा की तरफ जाएंगे तो हम भी इस भूल भुलैया से बच जाएंगे। माना जो भटक रहे, जो दुख हो रहा है, जो धक्के खा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जन्म तो लेने ही है ना, पाठ तो बजाने ही है। तो बाबा कहते हैं जैसे कि भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई, कहते हैं ना इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना। आज भी धनी लोग को देखते हैं तो कहते हैं ना कि कौन से जन्म में पता नहीं क्या पुण्य कर्म किए हैं जो इतना पैसा है। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जरूर उसके रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं, कब कर्म अकर्म होता है और कब वही विकर्म होता है हमारा किया हुआ कर्म, बाबा हमको समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो, क्योंकि यही सुकर्म है ना, इससे ही जमा होएगा। संगम पर जो हम कर्म करते हैं ये सुकर्म है, श्रीमत अनुसार जो कर्म है इससे ही जमा होता है, कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। हर दो युग के मिलन को संगम कहते हैं ना, लेकिन ये कल्प का संगम है, जब कलयुग और सतयुग के बीच का समय है।
तो बाबा कहते हैं, जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है, या पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, यह सब अब तुमको पता पड़ता है, यह ज्ञान और कोई में नहीं है, बाबा ने आके हमें दिया, नहीं तो हम भी अनजान थे ना, अज्ञानी थे, देह अभिमान में थे। तो बाबा कहते हैं, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, मिलके पाठ कर लेंगे लेकिन कुछ समझते हैं नहीं, किसी को मिलता कुछ नहीं है, पाठ हो गया, धर्म हो गया, लेकिन फिर दुख वैसे ही है, कर्म वैसे ही है, परिवर्तन होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है, स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है, सबको पता है क्या क्या पाठ बजाते हैं। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने, कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, पढ़ाने वाला ऊंचा, पढ़ाई ऊंची, पढ़ने वाले भी देखो ऊंचे, ऊंचे बनते हैं ना, फीस क्या लगती है यहाँ पर, क्या चाहिए बाबा को गुरु दक्षिणा, बाबा चाहते हैं बच्चे मेरे समान बन जाए, बाप समान बन जाए, तो ऐसी ऊंची फीस देनी है बाबा को, स्थूल धन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब हैं बहन भाई, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, भाई भाई को देगा वर्षा, देखो कितनी लड़ाई होती है, वर्षा बाप से मिलता है, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा, और पुरुषार्थ कितना सहज है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मिलेगा, और पुरुषार्थ करना तो बहुत सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो तीन पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, कहीं भी जगह हो, जगह मिलती, अपने घर में ही हो तो छोटे से कमरे में गीता पाठशाला खोल दो, सेवा चालू कर दो, बोर्ड में लिख दो आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो, छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, भला कर पूछो, आओ अंदर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो, इनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है, घर गृहस्थी में रहना है, सब संबंध निभाने हैं, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन बुद्धि भगवान में लगानी है, एक बाप में लगानी है, बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना, जो भी कह रहे हैं भगवान तो वो बात मानना चाहिए ना, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, यस बॉस। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना, बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, ये है बाबा का फरमान, ऑर्डिनेंस, विनती, गुजारिश, रिक्वेस्ट, विष का धंधा, विकार का धंधा बंद करो, अपवित्रता का धंधा बंद करो। बाबा कहते हैं ना, मेरी खातिर तो एक जन्म पवित्र रहो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं, अपने बच्चों से ही बोलेंगे ना, और किसी को क्यों बोलेंगे, बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक सात रोज आकर ना समझे, कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई, आदम्बू आदम्बू कहा और देखो फिर पत्थर बना दिया है ना, श्राप मिल गया,
तो यह फायदा नहीं है। माना कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, मुरली नहीं सुनते हैं, तो बाबा मिलन में नहीं ले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कायदा नहीं है, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। देखो कई बार कई लोग घुस के बैठ भी गए लेकिन तबीयत खराब हो गई, बाबा आए ही नहीं, उठ के जाना पड़ा हॉल से। तो बाबा कहते हैं भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखें, तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखना पड़ता है। कोई खास केस में अलाउ भी करते थे बाबा, लेकिन बाबा से पूछकर, सीनियर से पूछकर, तो देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर भी थोड़ा बताकर बहने लोग लेकर आती थी, बाबा से मिलाती थी, क्लास में बिठाती थी। कोई उल्टा ही ज्ञान ले, उल्टा ही समझ ले, तो ऐसे नहीं, नब्ज देखा जाता है ना, रग देखा जाता है कि समझ कितनी है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। फिर बाबा अलाउ करते थे यदि सेवा में है, सहयोगी है, संबंध संपर्क अच्छे हैं, तो बाबा देखते थे काम का बच्चा है, या बाबा को तो पता है ना कि कौन आगे चल सकता है, तो बाबा देखकर अलाउ करते थे, छुट्टी देते थे। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, यह बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं, तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, ट्रिपल इंजन, सोचो कितनी तेज गाड़ी दौड़नी चाहिए, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, बाप टीचर और सतगुरु, ट्रिपल रोल। बाबा कहते हैं वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं, लौकिक में तो अलग होते हैं ना, पहले बाप फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं, तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो, किसकी छत्र छाया में, हम किसकी पालना में हैं, शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। कहते आए ना तन मन धन सब है तेरा, तो फिर उसकी पालना में पल रहे हैं, तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है, घर भी क्या है, सेवा स्थान है, बाबा का भंडारा है, सेवा का संबंध है सबसे, तो तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो, कितना पवित्र अन्न मिलता है, जब बाबा के नाम कर दिया सब कुछ तो देखो पवित्रता ही आ गई ना, ब्रह्मा भोजन पवित्र अन्न। तो ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म करे उससे ही उनकी परवरिश हो, कोई दान कर दे और फिर उसी पैसे से परवरिश हो, ऐसा तो लौकिक में हो नहीं सकता कि आपने दान दे दिया किसी को तो वो पैसा तो उसको चला गया ना, लेकिन देखो आपने यहाँ पे बाबा के नाम कर दिया फिर भी उसी पैसे से आपकी परवरिश होती है, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है ना, तो ऐसा तो और कहीं होता नहीं है, वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है, यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, अपना ही अपवित्र धन देखो कितना पवित्र बन जाता है। हाँ कहते हैं ना नंबर 2 का पैसा नंबर 1 करने के लिए, ऑफिशियल पैसा, और यहाँ देखो बाबा के नाम कर दिया तो सब पवित्र हो जाएगा, नंबर 1 से भी ऊंचा हो जाएगा, हाँ रूहानी गवर्नमेंट के नाम। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, और ट्रांसफर भी हो जाता है 21 जन्मों के लिए, इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है, अरे जब मैं ही बाबा का हो गया तो मेरा क्या है फिर, सब कुछ तो बाबा का हो गया ना, ऐसे समझ खाते हो तो हू बहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो, फिर चाहे मधुबन में हो चाहे अपने लौकिक घर में हो, बाबा कहते इस तरह से सेवा स्थान समझ लिया, बाबा को अर्पण कर दिया, तो समझो कि हूबहू शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, घर मधुबन मन मधुबन, मन बनाए मधु बाबा रहे ऐसा मन मधुबन। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई ममत्व नहीं, फिर अपना कोई ममत्व नहीं चीज में, हाँ बुद्धि योग बाबा में लगी रहे, तो इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं, भल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हैं ना बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं,
तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, सब कुछ तुम्हारे साथ करूं, ऑल इन वन, तुम्ही से, तुम्हारे लिए और तुम्हारे में ही। हाँ, तो एक से, एक में और एक के लिए। बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा। मन में बाबा बाबा कहते रहो तो जुड़े रहेंगे ना बाबा से, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। बाबा कहते हैं उस सैनिटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, कहीं इलाज कराने जाते हैं कोई भी है, जैसे नेचुरोपैथी का सेंटर है, बाबा कहते हैं वहाँ कहीं भी आप जाओगे तो पूरे टाइम थोड़ी रह सकते हो, लेकिन यहाँ मन में यदि बाबा को बसा लिया तो बाबा कहते हैं यह है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। तो ऐसा इलाज कराने का, स्वास्थ्य लाभ लेने का, डिटॉक्स कराने का, सेहत का ऐसा स्थान मिलेगा कहीं, नेचुरोपैथी सेंटर, नेचर क्योर। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से बाबा बाबा करो, बाबा से जुड़े रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो ये है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम, घर बैठे ही देखो घर में इलाज हो जाए। बाबा कहते हैं थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं वहाँ के सैनिटोरियम में, क्या करते हैं जितनी बुकिंग होगी, जितना पैसा भरा होगा आपने, उतने दिन आपको रहने मिलेगा, इलाज होगा। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए, इस ख्यालात से आते हो ना? या हवा खाने लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो? वकेशन के लिए नहीं, हेल्दी बनने के लिए जाते हैं, रिफ्रेश होने के लिए। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हो शिव बाबा पास, बाप भी आते हैं पराए देश, पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा, आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने लिए, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ, किसी न किसी रूप में भगवान को बुलाते जरूर हैं। नास्तिक भी होंगे ना तो ओ गॉड तो मुंह से जरूर निकलता है, फॉर गॉड सेक जरूर बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला, सर्वोदया तो एक बाप है ना, वो विनोबा भावे नहीं, बाबा देखो सब पर दया करते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। बाबा का आना, पढ़ाना, श्रीमत देना, ये है बाबा का दया, रहम, कृपा, आशीर्वाद हम पर। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, जितना डायरेक्शन फॉलो करेंगे उतना मिलेगा। कोई तकलीफ तो नहीं देते हठ योग करने व तीर्थों पर धक्का खाने की। अमेरिका हो, फिलीपींस हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए। देखो आज बाबा फिलीपींस को याद कर रहे हैं। बाबा कहते कहीं भी रहो, घर गृहस्थी में रहो, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, राजा जनक का है ना, देखो इतना बड़ा राज्य भाग्य संभालते हुए भी डिटैच रहते थे, न्यारे रहते थे। तुम्हारा है राजयोग, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्ठा के समान है, विनाशी सुख है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे, गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है, जो सूख गया फिर से हरा भरा होगा। तो तुम आए हो मात पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। साकार बाबा से मिलन मनाना, अव्यक्त बाबा से मिलन मनाना, बाप के घर जाना, मधुबन जाना, कितना मजा आता है ना?
तो यहाँ सदा के लिए बैठ तो नहीं सकते, जाते हैं तो फिर वापस आके सेवा तो करनी है। बाबा कहते लौ नहीं, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाबा को तो हर जगह अनुभव कर सकते हैं ना, जाओ मिलो फिर आके सेवा करो। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी भी संभालो, बाकी यह पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। तो ये तो साकार मुरली उस समय की 60s की, देखो अब तो कितने बढ़ गए बच्चे। यह विघ्न आदि न पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं तो समय अनुसार ही बढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में विघ्न आते गए तो इतनी जल्दी वृद्धि नहीं हुई। 5,000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। तो अभी तो लिमिट थी ना, छोटा हॉल था, बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, फिर धीरे धीरे देखो बना, पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, शांति वन बना, मान सरोवर बना, तो बनते ही जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं बच्चे। देखो अब तो स्क्रीन लगाना पड़ता है, बाबा तो लेकिन सबको देख लेते हैं। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते, जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। बाबा की दृष्टि ऐसी पड़ेगी तो आत्माभिमानी हो जाएंगे, हाँ शरीर ही भूल जाएंगे, विदेही हो जाएंगे, क्यों चुंबक है ना, और शरीरी का अभ्यास होगा बाबा कहते हैं इसीलिए करने के लिए। और बाबा की दृष्टि पड़ी, रूहानी दृष्टि हुई, बाबा से नजर मिली तो अशरीरीपन का तुरंत अनुभव होगा, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा, होश में ही नहीं, खिंचाव बाबा की तरफ खींचे चले गए, अशरीरी अवस्था, देही अभिमानी, आत्माभिमानी है ऐसा अनुभव बाबा की दृष्टि का। देखो बाबा जब आकर अव्यक्त बाप दादा दृष्टि देते हैं तो कितना सन्नाटा हो जाता है पूरे हॉल में, स्वीट साइलेंस। तो बाबा कहते हैं बाबा तो आत्माओं को देखते हैं शरीर को नहीं, जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा, चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। तो क्या करना है हमें, योग में जब बैठे तो सूक्ष्मतन में बाप दादा से दृष्टि लेना है, ऐसा अनुभव करना है। अच्छा मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। बाप दादा समझाते हैं अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी, क्योंकि खुद अनुभव किया है ना तो उसकी सत्यता पता है, कितनी उसकी गहराई पता है। तो बाबा कहते हैं अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ, बहुत सुन लिया बहुत सुना भी दिया पढ़ लिया देख लिया, बाबा कहते हैं अब खुद अनुभव करो, ये विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे, कोई झुटला नहीं सकता ना, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। जैसे बीज भरपूर होता है ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे, बीज की तरह, बीज में ज्ञान गुण शक्तियां
भरपूर है ना, बाबा है ना बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जैसे बाप संपन्न है, भरपूर है, संपूर्ण है, वैसे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें भी बनना है। बाबा है ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम। स्लोगन है अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला बाबा कहते हैं विशेष प्रभु पालना की वेला है। बाबा वरदान लुटाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। यज्ञ में किताब भी है अमृत वेला, और अलग अलग मुरलियों में बाबा ने अमृत वेला का महत्व बताया है। तो पूरा पूरा लाभ लेना है, बाबा को लूट लेना है इस वरदानी वेला में। बाबा भोलानाथ बन जाता है, भोलानाथ तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल ऑफर छूट, तो बाबा को लूट लो। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं ज्ञान सागर, बाबा ज्ञान सागर है, बाबा से सम्मुख मिलन मनाने के लिए हम मधुबन जाते हैं। दूसरा है एवर हेल्दी, सदा बाबा बाबा कहते रहें, एवर हेल्दी बन जाएंगे, मन में नहीं सिर्फ बुद्धि में भी, मन में, दिल में, सब में बाबा ही बसे, मन मना भाव। तीसरा है भूल भुलैया, बाबा ने कहा ये दुनिया क्या है, भूल भुलैया, बाबा आते हैं हमें इससे बचाने, दरवाजा दिखाने, भटकने से, धक्के खाने से बचाने के लिए। और चौथा है अनुभव की अथॉरिटी, तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है, भरपूर बनना है। पांचवा है अमृत वेला, तो पूरा पूरा लाभ लेना है अमृत वेला का, बाबा की पालना का। ओम शांति। Yeah.